जय हिंद दोस्तों, दिस इज मी अमोल बेर फायर इंजीनियर। मैं आज आपको पंप के बारे में बता देता हूँ, पंप का कनेक्शन कैसा होता है, पंप के पास क्या क्या लगता है, वो कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा क्लोज दिखा देता हूँ। मैंने पहले सबसे पहले चीज़ है, आपके पास पंप को लगने के लिए क्या क्या लगना है। तो पहला है बटरफ्लाई वाल्व, दूसरा है नॉन रिटर्न वाल्व, तीसरा है एयर रिलीज वाल्व और प्रेशर गेज। तो ये चार चीज़ें जो है वो पंप के पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कंपल्सरी लगती है। ठीक है, बटरफ्लाई पहले सबसे पहले जहाँ से आपका टंकी में से मेन पाइप आता है, इनलेट जो होता है, तो वहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व लगता है। ये क्यों लगता है, जैसे कुछ आपको नीचे काम करना है, चालू लाइन है, आप काम किए हो चालू लाइन में, आपको लाइन बंद करनी है, तो यहाँ से बटरफ्लाई से आप लाइन पूरी बंद कर सकते हो, तो आगे नीचे जाने वाला पानी बंद हो जाएगा। दूसरा है NRV, नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व का काम ये रहता है, जैसे आप जैसे टंकी में पानी ख़त्म हो गया और फायर ब्रिगेड वाले आ गए, उनके उन्होंने उनका पाइप कनेक्ट कर दिया फायर सर्विस इनलेट में, तो इनलेट में कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो पानी ऊपर टंकी में आ जाएगा। तो आपके जहाँ पे जैसे फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे आपका पॉइंट है और वो पानी डायरेक्ट टंकी में आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे मिलेगा नहीं, उतना प्रेशर नहीं मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा पानी लेकिन प्रेशर नहीं मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा पानी। तो NRV का यही इंपॉर्टेंस रहता है कि जैसे अगर फायर ब्रिगेड वाले या दूसरे कहीं से आप पानी लेते हो तो डायरेक्ट आपके फ्लोर पे पानी मिले, ये टंकी में वापस ना जाए। इनलेट जब वो पानी यहाँ से आता है तो ये ऊपर हो जाता है, पानी निकल जाता है, जैसे उधर से पानी आएगा तो नीचे गिरेगा, तो पानी यहाँ पे बंद हो जाएगा, पानी टंकी में वापस नहीं जाएगा, तो उसका इंपॉर्टेंस वही रहता है NRV का। तो इसका कनेक्शन कैसा है, देखिए यहाँ से जो मेन पॉइंट हेडर आया है यहाँ से टंकी में से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लगा है, सक्शन लगा है, पंप का सक्शन। जैसे यहाँ बटरफ्लाई के बाद में पंप का सक्शन आएगा, पंप का सक्शन आ गया तो उसके बाद में आएगा आपका NRV और NRV के आगे आएगा आपका डिलीवरी, पंप का डिलीवरी। ये आगे क्यों रहेगा, देखो यहाँ पे ये बीच में दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है, जैसे आपका यहाँ पे पंप से डिलीवरी हो रहा है पानी, मतलब यहाँ से प्रेशर से इधर डिलीवर हो रहा है, तो ये क्या होगा, अगर NRV यहाँ पे नहीं रहेगा तो यही के यही घूमेगा पानी, जो आपको नीचे में प्रेशर मिलने वाला है वो प्रेशर नीचे नहीं मिलेगा, यहाँ के यही घूमेगा पानी। इसलिए ये NRV यहाँ पे भी लगना जरूरी होता है कि जैसे यहाँ से डिलीवर हो गया पानी तो ये प्रेशर से नीचे जाए, ना कि यही के यही घूमे, तो उसका इंपॉर्टेंस वो भी रहता है। और आपका सक्शन जो डिलीवरी का आउटलेट है हमेशा ये NRV के आगे होना चाहिए, वो ध्यान में रखिए। उसके बाद में आपका पंप का कनेक्शन है, यहाँ पे आपके जो फ्लैंजेस लगती है, जैसे पंप का हेड या पंप के साइज उस हिसाब से आपका ये फ्लैंजेस लगती है, इधर अलग अलग, यहाँ पे बड़ी फ्लैंज लगती है, यहाँ पे छोटी फ्लैंज लगती है, यहाँ पे रिड्यूसर्स लगते हैं, इधर सक्शन के पास रिड्यूसर लगेगा, डिलीवरी के पास रिड्यूसर लगेगा, और ये ऐसा कनेक्शन रहता है। तो ध्यान में रखें, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। जय हिंद।